रखो, इस ब्लास्ट के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया तो वो बहुत परेशान होंगे। ये मिसाइल तो 5 मिनट में ब्लास्ट होने वाला है, मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। पापा, इस पूरे खेल के मैं कैसे मान लूं? पापा, मेरा दिल नहीं मानता। पापा, दिल माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है, ये दिमाग का खेल है और इस खेल का खिलाड़ी है तेरा बाप प्रोफेसर जीत पाटिल। इस सारे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड तेरा बाप प्रोफेसर जीत पाटिल है। तुझे यही जानना था ना कि त्रिशा का बाप कौन है? इस त्रिशा का बाप तेरे सामने है, प्रोफेसर जीत पाटिल। अब ये देश होगा बर्बाद, इस देश को तबाह करूंगा, तेरी आंखों के सामने करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी तू। इस पूरी दुनिया में मेरे बस आप ही थे पापा, और आप ही हमारे देश के लुटेरे निकले। मैं पूरे देश में ढूंढ रही थी हमारे देश के दुश्मन को, कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश का दुश्मन मेरे पापा होंगे। सही कहते हैं लोग, धोखा वही देते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं। आज आपने मेरा भरोसा तोड़ा पापा, आज मैं आपको तोड़ दूंगी। आपने मेरे देश के साथ गद्दारी की है, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरे नाना भी इस देश के दुश्मन थे, और मेरी माँ ने उनके पिता की जान ले ली। पर अपने देश को बचाया, और आज मैं भी अपनी माँ की राह पर चलूंगी। अपने देश को बचाने के लिए अगर मुझे मेरे अपनों की जान लेनी पड़े तो मैं उनकी जान लूंगी। क्या प्रोफेसर त्रिशा के पिता, मतलब इस साजिश के मास्टरमाइंड वही? हाँ रघु, और ये बात अजय को पता चल गई थी, इसीलिए प्रोफेसर और महक ने इसको बंदी बनाकर रखा था। अब इसके शरीर में महक का जहर है, इसीलिए इतना कमजोर है। लेकिन प्रार्थना है कहाँ? प्रार्थना मिसाइल लेके यहाँ से दूर चली गई, और वो प्रोफेसर अभी तो यहाँ तक कहाँ चला गया? लगता है वो प्रार्थना के पीछे गए। वो प्रार्थना के लिए अभी भी उसके वो पिता है। प्रार्थना इमोशनल है, दिल से काम करती, वो अपने पिता जैसे इंसान पे वार नहीं करेगी, और वो गद्दार उसी बात का फायदा उठाएगा। और कहीं प्रार्थना को कुछ, मुझे प्रार्थना के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम लोग यहाँ रह के लोगों का ध्यान दो, मैं प्रार्थना के पास जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। क्योंकि आपने ऐसा, आप तो हमेशा हमारे देश का भला चाहते थे ना पापा। ये हमारा देश है, ये हमारा भारत है पापा। आप हमारे भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, कैसे पापा, कैसे? ये आपका देश है, ये मेरा देश।
क्या दिया मुझे इस देश ने? जिस देश ने मुझे मान सम्मान तक नहीं दिया, उस देश के लिए मैं अपनी जान दे दूं। और कोई नहीं रोक सकता मुझे, तुम भी नहीं। नहीं, मैं आपको रोकूंगी पापा। आज ये शेष नागिन इस मिसाइल को यहाँ से ले जाएगी और अपने देश को बचाएगी, अपने देश की मिट्टी का मान रखेगी और फिर अपने दुश्मनों को एक एक करके मार देगी। जय भोलेनाथ। सेकंड बचा है रघु, वक्त बहुत कम बचा है। मुझे इस मिसाइल को लेकर यमुना मैया की गोद में जाना होगा, इतनी गहराई तक कि इसका धमाका होने के बाद भी इसका वायरस किसी इंसान तक ना पहुंचे। जाओ प्रार्थना, मुझसे किया वादा निभाओ, तुम्हें वापस आना होगा और सही सलामत वापस आना होगा। नहीं प्रार्थना, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। प्रार्थना तुम जाओ, मैं संभालता हूं इसे। हे शिव जी, मेरी प्रार्थना का ध्यान रखना। अब वक्त खत्म। बुखार क्यों नहीं आ रही प्रार्थना? बाहर आओ। नहीं आएगी प्रार्थना, अब कभी नहीं आएगी। मर गई प्रार्थना। नहीं, उसे वापस आना होगा। प्रार्थना बाहर आओ। अपना वादा पूरा किया, तुमने इस देश को बचाया, मेरे लिए, हमारी बेटियों के लिए और हमारे परिवार के लिए वापस आई। कहते एक पिता विकास का नाम है, विश्वास का नाम है। कहते एक पिता से बढ़कर और कोई नहीं होता, पर आपने तो एक बाप बेटी के रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी। मेरी हर एक आशा, मेरी हर एक उम्मीद बदल दी, मेरा दिल तोड़ दिया। आज एक बेटी ने अपने पिता को छोड़ दिया। आज तक आपने मुझ में बस एक बेटी देखी है, आज आप मुझ में एक शेष नागिन देखेंगे। जब जब हमारा देश मुश्किल में होता है तो एक शेष नागिन अपने हर प्यार, अपने हर रिश्ते, अपने हर परिवार को तोड़ के आती है, अपने देश को बचाने, अपने देश की मिट्टी को बचाने। और आज वो शेष नागिन आ गई है अपने हर एक दुश्मन के हर इरादे को तार तार करने, अपने हर दुश्मन का सहार करने। जय भोलेनाथ। तुम्हें क्या लगा मेरा खेल खत्म हो गया है? खेल तो अभी शुरू हुआ है। मेरा मकसद जो मेरी एक बेटी ने पूरा होने से रोका था ना, वो मेरी दूसरी बेटी पूरा करेगी। हमें पता था कि तुम जरूर कोई ना कोई कदम उठाओगी।
तुमने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब हमारी ये लड़ाई हमारी बेटी त्रिशा लड़ेगी और वो हमारे लिए जीत लेके आएगी। एक जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अजय, अच्छा हुआ सब कुछ अच्छे से हो गया। अब इन सबको यहाँ से निकालना होगा। चलो। ये अजय, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या? मैं कोशिश करता हूँ। बिल्डिंग के हमने सारे दरवाजे चेक कर लिए, कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ, ये बिल्डिंग के दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गए? अपने आप बंद नहीं हुए, मैंने किए। मेरे पापा के कहने पर अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। त्रिशा, तुम ना अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा कोई प्लान नहीं काम करने वाला। प्रार्थना ने वो मिसाइल कब की नष्ट कर दी। तुम्हारा ये खेल नहीं चलने वाला, समझी? मुझे मेरे पापा ने यहाँ भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। I'm sure, मुझसे ये सब करवाने के पीछे उनका कोई तो मकसद होगा। बताओ मुझे, क्या करने वाली है वो? बताओ मुझे। हाँ बेटा। पापा, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जा पाएगा। आगे क्या करना है? बस अब तू अपनी आंखें बंद कर और अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हुए उस हर पल को याद कर। मैं कुछ समझी नहीं पापा। कुछ मत समझ बेटा, जितना पापा कह रहे हैं उतना कर। अपने पापा की बात का विश्वास कर। पापा एंड मम्मा रियली लव्स, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। बहुत ज्यादा। पापा ने ऐसा क्यों कहा कि सारे अच्छे पलों को याद करो? क्या चल रहा है यहाँ पे? हम जानते थे प्रार्थना कि तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी, इसलिए हमने बैकअप प्लान बना के रखा था। कैसा बैकअप प्लान? क्या करने वाली है त्रिशा? प्रार्थना, हमने एक हथियार नहीं, दो हथियार बनाए थे। एक मिसाइल को तो तुमने नष्ट कर दिया, पर दूसरा। और दूसरा क्या? त्रिशा, हमारी बेटी त्रिशा। त्रिशा, 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 तुम उठो, उठो और जाओ उस मीटिंग में। इसे उस मीटिंग में जाओ और वहां जाके सारे दरवाजे बंद करो। रोको सबको, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, जाओ जाओ। हाँ, और वहां जाके मेरे आखिरी मैसेज का वेट करना। सफलों का जहर हमने अपनी बेटी के अंदर भी भर दिया है। अब वो हमारा एक वार है, हथियार, और इस वक्त वो वहीं मौजूद है जहां पर उसे होना चाहिए था। देश विदेश से आए बड़े बड़े नेता राजनेता जहां पर एकत्रित हैं, वो वहीं है। और एक बात बताऊं, वो वहीं पर है जहां पर तुम दोनों का परिवार है। हमारी बेटी हमारी जान है, और आज हमारी जान हमारी बेटी हमारे मिशन के लिए अपनी आप को कुर्बान कर रही है, और हम ये मिशन जीतेंगे। त्रिशा, मुझे सच बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम लोग क्या करने वाले हो? बताओ त्रिशा। बस अब तू अपनी आंखें बंद कर और अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हुए उस हर पल को याद कर। तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर,
थ्री टू वन। हमें माफ कर दो ना थीशा, प्लीज। ये क्या, हर तरफ ही हरा धुआं, कुछ दिख भी नहीं रहा। यहां तो सब बेहोश पड़े। टीना, नैना, टीना उठो। नैना अपनी आंखें खोलो। नैना, गौतम, गौतम आंखें खोलो। नैना रघु की सांसें चल रही है। माँ, माँ, पापा, माँ, पापा, मेहर पूर्विका। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ पापा, पता नहीं एक जोर से भड़ाम की आवाज आई और हम दोनों चुप गए। स्वर्ण, रघु, तुम ठीक हो? हाँ। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे त्रिशा आई थी। हाँ, महक और प्रोफेसर ने त्रिशा को अपना दूसरा हथियार बनाकर रखा था कि अगर उनका पहला प्लान कामयाब ना हो तो त्रिशा उनके दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करे, वो यहाँ पर आकर हमला करे और हमारे देश में तबाही फैलाए। क्यों, ये कैसा धमाका है कि सब बेहोश हुए पर मरे नहीं? ये नैना के हाथ पर ये निशान उन सपनों के जहर से होगा। जल्दी स्वर्णा, रघु, तुम लोग चेक करो कि ये सबके हाथों पर ये निशान है क्या। अजय, हाँ, ये निशान सबके हाथों पर। हाँ, अजय के हाथ में भी है। इसका मतलब ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये केमिकल का हमला था जो उन सपोनों के जहर से बना था। इसका मतलब उन सपोनों के जहर का वायरस इन सबके शरीर के अंदर चला गया है। इसीलिए स्वर्णा, पूर्विका और मेहर पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ये तीनों नागिन हैं। इन सपोनों का जहर मुझ में भी है लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ क्योंकि महक का जहर मेरे अंदर है और जहर जहर से लड़ रहा है इसलिए मैं होश में हूँ। मम्मी जी, पापा जी, पापा जी, माँ बापा, मम्मी जी, पापा जी को क्या हुआ? ये दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ 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 बेटा, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्रार्थना, यहाँ पे हमारे देश के मंत्री, देश विदेश के नेता, कार्यकर्ता सब इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। पूरे देश में आग की तरह ये बात फैलने वाली है। हमारे देश को बहुत बदनामी होगी। जल्दी जल्दी सबको उठाओ, ले चलो, चलो चलो, उठाओ उठाओ इन्हें। हे शिव जी, मेरे अपनों और मेरे देश पे आज एक बार फिर वार हुआ है। मुझे शक्ति देना, मैं इस बार का मुंह तोड़ जवाब दे सकूं और सबको वापस जिंदा कर सकूं। जय
जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ उन्नति मैदान के पास पार्लियामेंट में जोरदार धमाका हुआ है। ये देखिए जख्मी लोगों की कलाई पर ये सांप का निशान। अब बात हाथ से निकल गई है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, हमारे देश की बदनामी हो रही है और मेरे सारे अपने मुसीबत में हैं। मुझे इन सारे मुश्किलों का तोड़ ढूंढना होगा। स्वर्णा, स्वर्णा अब तुम अजय और बच्चों को लेकर घर जाओ, मैं और रघु जाकर प्रशांत से मिलते हैं, शायद वो हमें कोई रास्ता दिखाए। ठीक है, तुम सब घर जाओ। नहीं, मुझे मम्मी जी पापा जी के साथ ही जाना है। ठीक है स्वर्णा, तुम अजय और बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाओ, हम वहाँ आते हैं। ठीक है, चलो 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 बच्चों। क्या हुआ? सपोलो के जहर से बनाया वायरस इंसान के खून में मिलते ही उसे जमा देता है। धीमा जहर है, धीमी मौत, इंसान के शरीर में फैलकर कतरा कतरा करके उसे मार देता है। I'm so sorry, शेष नागिन, इस वायरस से बच पाना मुमकिन नहीं। ऐसे कैसे मुमकिन नहीं है? हाँ, तुम्हारी ना सुनने नहीं आई मैं, अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को अब और मरता हुआ नहीं देख सकती, अपने देश का नाम अब बदनाम होते हुए नहीं सुन सकती मैं। इस मुसीबत का कोई तोड़ ढूंढो प्रशांत, जो करना है करो, पर मेरे सवालों का जवाब दो। प्रशांत प्लीज, आई एम सॉरी, पर प्लीज कोई ना कोई तो रास्ता होगा प्रशांत। एक रास्ता है शेषनागिन, याद है आपने मुझे कहा था कि इस वायरस को आपके पापा प्रोफेसर जीत ने बनाया है, तो पक्का उन्होंने इसका एक फॉर्मूला भी बनाया होगा। अगर वो आप मुझे फॉर्मूला लाकर देंगी ना, तो शायद मैं इस वायरस का एंटीडोट ढूंढ पाऊं, इस वायरस का तोड़ ढूंढ पाऊं। इस वायरस का फॉर्मूला उस लैब में ही होगा, मैं वो फॉर्मूला लेके आती हूं। मैं भी साथ चलता हूं। हाँ रघु, हमें जल्दी से ढूंढना होगा, इस वायरस का फॉर्मूला यहीं कहीं लिखा होगा। पापा हमेशा, प्रोफेसर हमेशा अपना फॉर्मूला एक डायरी में लिखते थे, एक लाल रंग की डायरी में। राधा, रघु, प्रार्थना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डायरी चुराने आए थे ताकि मेरे वायरस का फॉर्मूला ले सको, उसका एंटीडोट बना सको। अनफॉर्चुनेटली ऐसा तुम नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला मिलेगा तो करोगी ना? चीख ले, चिल्ला ले, क्या करेगी तू अब? कुछ नहीं, बिकॉज द गेम इज ओवर प्रार्थना, तू हार गई। नहीं, शेष नागिन इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानती। बहुत तेज है ना आप प्रोफेसर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये डायरी चला दी। अब भी एक जगह है जहां वो सारे फॉर्मूले अब भी है। आपके दिमाग में अपने मकसद को कामयाब करने में इतना बह गए आप कि शायद आप भूल गए कि मैं नागिनों की नागिन शेष नागिन हूं। मेरे लिए अपने दुश्मन के दिमाग में झांकना बहुत आसान है। मैं भी बहुत बड़ी चीज हूँ, पहले मेरा सामना कर, फिर उसके बाद प्रोफेसर के दिमाग तक पहुँचने के बारे में भी सोचना। राधा, मैं को मैं देखता हूँ, तुम जाके फॉर्मूला का पता लगाओ। रघु, हमारा काम हो गया, फॉर्मूला मुझे मिल गया है। आप? चलो यहाँ से। प्रोफेसर सुनो, आंखें खोलो, प्रोफेसर आंखें खोलो, आंखें खोलो। उस नाग ने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया है, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के उसने पूरी वायरस का इंफॉर्मेशन ले गई। वो उससे पहले हमारा मकसद पूरा हो गया होगा।
प्रार्थना के परिवार का खात्मा, उनको तबाह करना, उनको बर्बाद करना। मेरे पास प्लान है। बुआ सब ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा जो है ना वो बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत शक्तियां हैं, वो सब ठीक कर देंगे। ताकि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जवाब देना नहीं चाहता है। हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन देगा हमें जवाब? मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। लेकिन आप है कौन? ये जरूरी नहीं है जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ। जरूरी ये है कि स्नेक वायरस कहाँ से आया और उसके पीछे है कौन। और जवाब है ये तीन लड़कियां। आप लोगों का जवाब है ये तीनों लड़कियां। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त तीनों लड़कियां वहां पर मौजूद थी, बावजूद इसके इन तीनों लड़कियों पे उस वायरस का कोई असर नहीं हुआ। ये सही सलामत बिल्कुल सही हैं, बातचीत कर रही हैं। इनकी कलाई पर भी सांप का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये तीनों नागिन है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आज की दुनिया में नाग नागिन कैसे हो सकते हैं? हंसी आ रही है आप लोगों को मेरी बात सुनकर? क्या लगता है आप लोगों को, आज के वक्त में नाग नागिन नहीं होते? होते हैं, हमारे आसपास होते हैं और हैं आप लोगों की आंखों के सामने। इसका मतलब साफ है, जिस इंसान ने इस वायरस को बनाया है, जिसने इसका जहर फैलाया है, वो इससे बचना भी जानता है और ये बच गए। क्यों? सिंपल, ये तीनों नागिन है। इसलिए अब भी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, एक बात याद रखना, बुलाइए सपेरों को, बजवाइए बीन, और जब वो बीन बजाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। जब ये इंसान से नागिन बनेंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं वो 100% सच है। नहीं विश्वास तो करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। अरे हाँ, इनकी कलाई पर तो कोई सांप का निशान नहीं है। कहीं उस आदमी की बात सच तो नहीं? अगर उस आदमी की बात सच निकली तो हम दुनिया में पहले रिपोर्टर्स होंगे जो इतना बड़ा केस चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। हाँ, खबर तो बड़ी है, हम एक छोटा सा रिस्क तो ले ही सकते हैं। वाह प्रोफेसर वाह, क्या तीर चलाया आपने भी। हाँ, इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। जिस देश और देशवासियों को बचाने के लिए शेष नागिन अपनी जान दांव पे लगा रही है, उसी देश के वासी अब उसकी बच्चों की जान लेंगे। फॉर्मूला मिला? हाँ। ये रहा। शेष नागिन, अब इस वायरस का फॉर्मूला मुझे मिल गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका एंटीडोट भी मैं ढूंढ लूंगा। इस वायरस में शेषनाग और शेषनागिन के बच्चों का जहर मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है आप दोनों का जहर इसमें है, और इसे काटने के लिए भी शेषनाग और शेषनागिन दोनों का जहर लगेगा। तो इसमें सोचने वाली बात क्या? हम देंगे अपना जहर। इतना भी आसान नहीं है शेषनागिन, हजारों सुपोलों को इकट्ठा करके यह हथियार बना था जिससे ये वायरस निकला था, तो इसका एंटीडोट बनाने के लिए आप दोनों के शरीर का थोड़ा सा जहर नहीं लगेगा बल्कि आप दोनों के शरीर का पूरा जहर लगेगा, और बिना जहर के जिंदा रहना खतरनाक हो सकता है। आप दोनों की जान जा सकती है शेषनागिन। मैम, आप लोग कल रात से यहीं पर हैं, कुछ खाया भी नहीं। हमने उस रूम में आप लोगों के खाने का इंतजाम किया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। आपने हमारे लिए इतना सोचा उसके लिए थैंक यू, पर हमें भूख नहीं है। प्लीज मना मत कीजिए, इन बच्चों के बारे में तो सोचिए, इन्हें भूख लगी होगी। हाँ बुआ, भूख तो लगी है। हाँ, तुम लोगों ने भी कुछ खाया नहीं है। एक काम करती हूँ, तुम्हें कुछ खिला देती हूँ, चलो। वो वहाँ उस रूम में। थैंक यू, चलो। अब आएगा इनका सच सामने,
और हमें मिलेगी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बुआ, यहाँ तो अंधेरा है, खाना भी नहीं दिख रहा, खाना कैसे खाएंगे? हाँ, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा नागिन रूप बाहर लाने की साजिश थी। अब आएगा प्रार्थना की बेटियों का असली रूप सामने। विनय कोई नहीं बचा सकता। बच्चों, कुछ भी हो जाए अपना नागिन रूप बाहर मत आने देना, ओके? जान की परवाह नहीं है मुझे। प्रशांत, तुम्हें जो करना है तुम करो, जितना जहर लेना है तुम ले लो, पर इस वायरस का एंटीडोट बनाओ। हमारे लिए इस देश का मान सम्मान और अपनों की जान से बढ़कर और कुछ नहीं।